वेंचुरी मीटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और हमने दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए थे वेंचुरी मीटर से रिलेटेड। दो किए थे, एक किया था, आई थिंक दो कर लिए हैं, एक किया था, दो किए है ना। हाँ बीरू कुमार, गुड मॉर्निंग बीरू। ठीक है, तो अब हम अगले इंस्ट्रूमेंट में भरेंगे जिसका नाम है पाइट और ट्यूब। ठीक है, तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वह क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ गुड मॉर्निंग शिवांशु। ठीक है, तो अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है पाइट और ट्यूब। ठीक है, अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है पाइट और ट्यूब। तो पाइट और ट्यूब क्या करता है बेसिकली? पाइट और ट्यूब क्या, अच्छा पिछला न्यूमेरिकल में हमने आपको आंसर नहीं बताया, चलिए इसके बाद हम बता देंगे। तो पाइट और ट्यूब देखिए, जैसे वेंचुरी मीटर क्या करता है, वेंचुरी मीटर किसी भी पाइप में डिस्चार्ज को नापता है। ठीक है, डिस्चार्ज को फाइंड आउट करता है वेंचुरी मीटर। उसी तरह पाइट और ट्यूब क्या करता है, ये करता है एक फ्री स्ट्रीम है, फ्री स्ट्रीम समझते हैं, फ्री स्ट्रीम मतलब जैसे आपका नदी हो गया, ठीक है, कोई चैनल हो गया, जिस किसी चैनल में फ्लो हो रहा है, मतलब पाइप में फ्लो नहीं हो रहा है बल्कि किसी चैनल में फ्लो हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए चैनल क्या समझोगे, जैसे आप जैसे एक आप एग्जांपल दो, सबसे ज़्यादा देख सकते हो कि नाले में पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो भी एक चैनल फ्लो ही हुआ, और नदी में पानी फ्लो हो रहा है, नदी जो फ्लो हो रही है वो भी एक चैनल फ्लो हुआ। तो इन तरह के फ्लोज में जब इस तरह का फ्लो होता है तो उसमें जो होता है स्ट्रीम की वेलोसिटी नापने के लिए हम पाइट और ट्यूब का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रीम की वेलोसिटी नापने के लिए हम क्या करते हैं, पाइट और ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो वो कैसे यूज़ करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, सपोज किसी कोई चैनल फ्लो हो रहा है, किसी टाइप का चैनल फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आप देखोगे किसी भी चैनल फ्लो में, या आप देखोगे कोई रिवर फ्लो कर रही है तो कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, ये आपका रिवर का बेड है या चैनल का बेस है। ठीक है, इसके ऊपर लिक्विड फ्लो कर रहा है ऐसे करके। हाँ ठीक है, इसके ऊपर ऐसे करके लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह का आपको दिखेगा। अब इस पे पाइट आउट ट्यूब से हम कैसे इस स्ट्रीम का वेलोसिटी निकाल सकते हैं वो समझिए। पाइट आउट ट्यूब क्या होता है, एक समझ लीजिए जैसे पीजो मीटर था, बिल्कुल वैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बेंट शेप का होता, बेंट होता है। ठीक है, जैसे ये आपका है, क्या करते हैं स्ट्रीम के बीच में इस पाइट आउट ट्यूब को लाते हैं, स्ट्रीम के बीच में इस पाइट आउट ट्यूब को लाते हैं। ठीक है, ये बेंट होता है। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है? इस तरह से, इस तरह से लगता है। ठीक अब देखिए समझिए क्या होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री पे बेंट रहता है। ठीक है, तो इसका बेसिकली वेलोसिटी नापने का क्या प्रिंसिपल होता है ये समझिए। लिक्विड यहाँ पे एंट्री करेगा इस पॉइंट से, इस पॉइंट से लिक्विड एंट्री करेगा। ठीक है, इस पॉइंट से लिक्विड एंट्री करेगा, इस पॉइंट से लिक्विड एंट्री करेगा। ठीक है, यानी कि मैं इस पॉइंट को क्या ले रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं ले रहा हूँ वन, ये पॉइंट है वन। ठीक है, जहाँ से आपका लिक्विड एंटर करेगा, ठीक है, जहाँ से आपका लिक्विड एंटर करेगा, तो जब एंटर कर रहा होगा, जब लिक्विड एंटर कर रहा होगा तो उसके अंदर कोई वेलोसिटी होगी। जब लिक्विड एंटर कर रहा होगा तो किसी वेलोसिटी से एंटर कर रहा होगा, ठीक है, किसी वेलोसिटी से एंटर कर रहा होगा, और यहाँ पर अंदर की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा, और सडनली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि सामने अब ये आगे तो निकल नहीं पाएगा, आगे नहीं निकल पाएगा, तो इसकी जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, ध्यान देना, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो जीरो हो जाएगी, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, और लिक्विड जो है, आपको मैं ब्लैक से बना रहा हूँ लिक्विड की लाइन,
लिक्विड बेंड कर जाएगा, लिक्विड जो है ऊपर चढ़ जाएगा इस यू शेप्ड ट्यूब के ऊपर, इस तरह से लिक्विड कुछ ऊपर चढ़ जाएगा यू शेप्ड ट्यूब के ऊपर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, एक बार मैं फिर से इसको क्लियरली बना देता हूँ। अब एक चीज़ समझिएगा, जब लिक्विड एंटर कर रहा था तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, जब लिक्विड एंटर कर रहा था तो उसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। और हम सब जानते हैं अगर किसी फ्लूइड के पास काइनेटिक एनर्जी हो तो उसको हम काइनेटिक हेड के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे बताइए, कि उसके पास एक काइनेटिक हेड भी था, मतलब काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक हेड के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। बर्नौलीज इक्वेशन में हमने सीखा हुआ है, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन में हमने यही सीखा था। ठीक है, तो इसका मतलब उसके पास एक काइनेटिक हेड था। ठीक है, जब यहाँ पे लिक्विड एंटर हुआ, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे लिक्विड एंटर हुआ तो इसके पास एक काइनेटिक हेड भी था और पोटेंशियल प्रेशर हेड भी था। उसके पास एक प्रेशर हेड था, ये जो हाइट आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रीम अंदर घुस रही है इसके ऊपर देख रहे हो, ये जो कॉलम है, ठीक है, कैपिटल एच में ले लेता हूँ उसको, कॉलम है, कैपिटल एच जो ले लेता हूँ मैं इसको। तो देखो, जब फ्लूइड एंटर कर रहा था यहाँ पर, फ्लूइड एंटर कर रहा था यहाँ पर, तो उसके पास एक काइनेटिक हेड भी था, काइनेटिक हेड भी था और उसके पास एक पोटेंशियल हेड भी था। क्योंकि आप देखोगे उस स्ट्रीम के ऊपर, आप देखोगे उस स्ट्रीम के ऊपर किसी लिक्विड का हेड भी है, कैपिटल एच। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई? इस स्ट्रीम के पास कुछ वेलोसिटी भी तो होगी जिस वेलोसिटी से चल रहा है ये, बताओ। मेरे हिसाब से सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। जब वो यहाँ पे लड़ा तो अचानक से ये काइनेटिक हेड जो है वो जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, फ्लूइड रुक गया भाई। ये जो यू शेप्ड जब यहाँ पर स्ट्रीम पहुंची तो फ्लूइड तो रुक गया, फ्लूइड तो रुक गया, और रुकने से क्या हुआ, काइनेटिक हेड जो है वो जीरो हो गया। और काइनेटिक हेड जीरो हो गया, हम सभी को पता है एनर्जी कांस्टेंट है, हम सभी को पता है एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो काइनेटिक हेड जब जीरो हुआ, इसका मतलब काइनेटिक हेड जो है किसी और हेड में चेंज हो गया होगा, और वो क्या हो गया, प्रेशर हेड में चेंज हो गया। इसका मतलब यहाँ पर लिक्विड कुछ एक्स्ट्रा राइज कर जाएगा, बात समझ में आ रही है, यहाँ पर ये लिक्विड कुछ एक्स्ट्रा राइज कर जाएगा, बात समझ में आ रही है। काइनेटिक हेड जो है प्रेशर हेड में बदल गया, और ये जो काइनेटिक हेड बदला है ना दोस्त, जो काइनेटिक हेड बदला है ना, ध्यान देना, यही जो हाइट ऊपर चढ़ा है उसी के बराबर, उसी हेड के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आई आपको, सबको समझ में आ रहा है भाई? काइनेटिक हेड जो है इस यहाँ पे बेंट था, क्योंकि ये जो ट्यूब था वो बेंट था, तो ट्यूब बेंट होने की वजह से क्या हुआ, जो वहां से स्ट्रीम आ रहा था वो रुक गया, स्ट्रीम रुक गया, तो इसका मतलब काइनेटिक हेड जो है वो जीरो हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि कोई अगर लॉस नहीं हो रहा है तो काइनेटिक हेड जीरो हो रहा होगा तो प्रेशर हेड बढ़ेगा। तो प्रेशर हेड बढ़ने के कारण क्या हुआ, ये जो लिक्विड था ये एक्स्ट्रा स्मॉल एच हाइट राइज कर गया ऊपर। ठीक है, इसका मतलब यहां पर देखोगे तो उसके पास काइनेटिक हेड है ही नहीं। तुमने काइनेटिक हेड को, स्ट्रीम की काइनेटिक हेड को तुमने प्रेशर हेड में तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं एंट्रेंस क्या है, फ्लूइड की एंट्रेंस, ये जो है मैं येलो से बना रहा हूँ, इसको मैं 1 लिखता हूँ, और यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊं,
यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊं, वन और टू के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊं, तो देखिए क्या होगा। ध्यान से देखिए, मैं वन और टू के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। वन और टू के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहा हूँ तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो प्रेशर हेड क्या है, कैपिटल एच है। प्रेशर हेड क्या है, कैपिटल एच है भाई, बात समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, आवाज लेट में आ रही होगी। हाँ, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, ठीक है ठीक ठीक है। तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर अगर अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे प्रेशर पी वन मान लूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर पी वन मान लूँ, तो पी वन बाय रो जी क्या होगा? पी वन बराबर, ध्यान देना बेटा, पी वन बराबर रो जी एच होगा। अच्छा रुको, अभी बताओ आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, मैं कह रहा हूँ पी वन बराबर रो जी एच होगा, ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत? इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, इस पे तो जो उसके ऊपर कॉलम है लिक्विड का, उसी के बराबर होगा, रो जी एच के बराबर। इसका मतलब जो मैं बर्नौलीज इक्वेशन में लिखता हूँ पी वन बाय रो जी, भाई बर्नौलीज इक्वेशन में क्या लिखा जा सकता है? पी वन बाय रो जी लिखा जाता है कि नहीं? तो पी वन बाय रो जी को मैं कैपिटल एच भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर पी टू बाय रो जी को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, पी टू बाय रो जी को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब बर्नौलीज इक्वेशन जब लगाएंगे, ध्यान दीजिए, जब बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे वन और टू पे, तो पहले वन पे लिखेंगे पी वन बाय रो जी, बच्चे बताओ क्या है, कैपिटल एच है कि नहीं है? पी वन बाय रो जी कैपिटल एच है, ठीक है। उसके बाद इसके पास एक वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर बाय 2g, वेलोसिटी हेड मतलब काइनेटिक हेड, ठीक है। और टू पे देखोगे तो पी टू बाय रो जी क्या हो जाएगा, पी टू बाय रो जी तुम्हारा हो जाएगा कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। बोलो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जेड जेड कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तुम देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल है, तो एलिवेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो जेड जेड कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, हाँ यहाँ पे देखोगे तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं दूसरे इस पे जाता हूँ, तो हमारे पास जब एच एच कैंसिल हो जाएगा तो आएगा वी स्क्वायर बाय 2g बराबर स्मॉल एच, ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ? वी स्क्वायर बाय 2g बराबर एच, तो अब देखो v बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2gh आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। और ये h जरा ध्यान देना बेटा, ये h क्या होगा, ये h क्या होगा, ध्यान देना, h जो है यहाँ देखो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, h देखो, अगर तुम देखोगे, अगर तुम ध्यान से देखो, h क्या है, वन और टू के बीच में प्रेशर हेड का डिफरेंस है कि नहीं है भाई? पी वन बाय पी टू बाय रो जी माइनस पी वन बाय रो जी करोगे तभी तो तुम्हारे पास स्मॉल एच आएगा, बताओ। पी टू बाय रो जी माइनस पी वन बाय रो जी क्या होगा, स्मॉल एच होगा कि नहीं होगा? प्रेशर का डिफरेंस दो पॉइंट पे, किसी भी दो पॉइंट पे प्रेशर हेड का डिफरेंस है कि नहीं है?
है कि नहीं है बताइए। और किसी भी दो पॉइंट पे दोस्त मुझे एक चीज बताओ, किसी भी दो पॉइंट पे अगर प्रेशर हेड का डिफरेंस है तो उसको हम कैसे नापते हैं? मैनोमीटर लगा के नापते, जैसे वेंचुरी मीटर में याद होगा स्मॉल एच की वैल्यू आई थी, तो सेम यहाँ पे स्मॉल एच की वैल्यू, और वो भी स्मॉल एच क्या था, दो प्रेशर हेड के बीच में डिफरेंस था कि नहीं था? वो भी स्मॉल एच क्या था, दो प्रेशर हेड के बीच में डिफरेंस था कि नहीं था? तो यहाँ पर स्मॉल एच की वैल्यू कुछ नहीं, स्मॉल एच की वैल्यू वही है सेम, एस एम बाई एस एल माइनस वन इंटू एक्स। बात समझ गए? ठीक है, क्योंकि देखो दो प्रेशर हेड के बीच में जब तुम नापोगे तो फिर मैनोमीटर जाके लगाओगे, और मैनोमीटर में सेम बिल्कुल होगा जैसे वेंचुरी मीटर में था, एक जगह लिक्विड जो है एक्स उठ जाएगा, मर्करी जो होगा वो एक्स उठ जाएगा, या मैनोमीट्रिक फ्लूइड जो भी मैनोमीटर में फ्लूइड भरा है वो एक्स उठ जाएगा और नीचे एक जगह ड्रॉप हो जाएगा। तो मेन जब निकालोगे प्रेशर डिफरेंस जैसे मैंने वेंचुरी मीटर में निकाल के बताया था, सेम बिल्कुल वैसा ही होगा, तुम्हारे पास सेम ही फॉर्मूला ये आएगा। क्या ये पाइटोट ट्यूब आपको आसान लगा? सभी निकाल लेंगे वेलोसिटी से। अब देखिए एक चीज और, ये तो हो गया आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होता है आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है, ठीक है? आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दे देगा कि भैया ये आपका वैल्यू है। लेकिन प्रैक्टिकली जब तुम करने जाओगे, तो पाओगे कि वेलोसिटी कम निकल के आ रही है। जैसे जैसे मैंने कल कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज में ही बताया था, ये जो वेलोसिटी निकल के आई ना, ये मैथ के फॉर्मूले से डिराइव करके आई है, ठीक है? मैथ के फॉर्मूले से डिराइव करना मतलब हर एक चीज़ परफेक्टली काम कर रही है, तभी आपकी ये वेलोसिटी आएगी, और ये वेलोसिटी आएगी थ्योरेटिकल। और तुम एक चीज़ जानते हो दोस्त, एक चीज़ तुम जानते हो कि थ्योरेटिकल वेलोसिटी जो होती है वो एक्चुअल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। अगर तुम एक्चुअली उसको करने जाओगे, मतलब एक्चुअली जब एक्चुअली उसको करने जाओगे, ठीक है, तो जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो थ्योरेटिकल से कम ही होगी। इसका मतलब जब तुम्हें एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी से ऐसी किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा जो वन से कम हो। क्या बात समझ में आ रही है भाई? इससे तुमको यहाँ जाना है, ठीक है? मतलब एक्चुअल निकालना है तो यहाँ पर किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो वन से कम हो, तभी तो तुम वी एक्चुअल तक आओगे। जैसे कि मैंने डिस्चार्ज में बताया था, जब वेंचुरी मीटर पढ़ा रहा था, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज, कि एक्चुअल डिस्चार्ज जो होता है, एक्चुअल जो डिस्चार्ज होता है वो कम होता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से। इसीलिए थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के फॉर्मूले में हम क्या करते थे, सी डी से मल्टीप्लाई करते थे कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज से, जिसकी वैल्यू हमेशा वन से कम होती थी। बड़ी वाली संख्या को वन से कम वाली किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो छोटे वाले पे आओगे। तो ये सी डी क्या है, ये सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज था जो मैंने बताया था आपको कि हमेशा वन से कम होता है। उसी तरह यहाँ पर थ्योरेटिकल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे सी वी से, जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। बात समझ गए? इसी तरह थ्योरेटिकल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे सी वी से, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है? तो वी एक्चुअल क्या आ जाएगा बताओ, वी एक्चुअल क्या आ जाएगा, सी वी अंडर रूट 2 GH, ये फॉर्मूला निकल के आएगा, जहां पे आपका सी वी जो होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, सी वी जो होगा वो हमेशा लेस देन वन होगा, और एच क्या होगा, एच सेम क्या होगा, एच होगा एस एम बाय एस एल माइनस वन इंटू एक्स। बोलो क्या समझ में आ गया? पाइटोट ट्यूब समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करिए आप, मैं अभी दे रहा हूं।
आवाज नहीं आ रही क्लियर बेटा, बताइए। हाँ चैट में लिख दीजिए, क्योंकि आवाज क्या हो रहा है ना, खिंच खिंच के आ रही है, आपकी तरफ नेटवर्क अच्छा नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन करिए। एक मिनट, मैं आपको बुक से ही खींच के देता हूँ एक क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6.24, इसको सॉल्व करिए। ये बुक का सवाल लिया है मैंने, 6.24 है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए जरा। मैं एक मिनट दे रहा हूँ आपको, वो नेटवर्क चला गया था। मिनट रुकिए। ये देखिए आ गया होगा क्वेश्चन।
क्या हुआ किसी का क्वेश्चन? किसी ने सॉल्व किया क्वेश्चन? करो करो। ऐसा करिए, आपने डेटा सारा लिख लिया है कि नहीं लिख लिया है? क्वेश्चंस का सारा डेटा लिख लिया है कि नहीं लिख लिया है? ठीक है, आप लोग फिर से रिज्वाइन करिए मीटिंग, मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप फिर। हाँ, बीच में जो होता है वो होती है स्ट्रीम की वेलोसिटी मैक्सिमम। ठीक है, तो अब डिस्चार्ज, अब तुम देखो रेंज ऑफ वेलोसिटी है यहाँ पर, रेंज ऑफ वेलोसिटी, और जब डिस्चार्ज लिखते हो क्यू बराबर ए इंटू वी, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी लोगे? यहाँ पे हर स्ट्रीम की देखो तो अलग अलग वेलोसिटी है, बीच में मैक्सिमम आती है, बीच में जो है वो मैक्सिमम है, और जो सबसे ऊपर वाली स्ट्रीम है या सबसे नीचे वाली स्ट्रीम है उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सारी वेलोसिटी का एवरेज ले लेते हैं। बात समझ में आ गया? यहाँ पर सारी वेलोसिटी का एवरेज ले लेते हैं, और इसीलिए यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी एवरेज आता है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आई सभी को? क्योंकि वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा है, तो कौन सी वेलोसिटी लेंगे? एवरेज वेलोसिटी लेंगे, सभी का एवरेज कर देंगे। जब आप एवरेज कर दोगे तो सभी स्ट्रीम की एक ही वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि आपकी होगी क्यू ए वी एवरेज। समझ में आया आपको? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पाइटोट ट्यूब से भी जब आप निकाल रहे हो ना, ध्यान देना, आप जब पाइटोट ट्यूब से निकाल रहे हो आप बेसिकली वी एवरेज ही निकालते हो, क्योंकि पाइटोट ट्यूब कहाँ लगाते हो दोस्त? पाइटोट ट्यूब लगाते हो स्ट्रीम के बीचों बीच या पाइप के बीचों बीच? ठीक है, जब पाइटोट ट्यूब जो है तुम पाइप के बीचों बीच लगाओगे, ठीक है, जब पाइटोट ट्यूब तुम पाइप के बीचों बीच लगाओगे तो तुम कौन सी वेलोसिटी निकाल रहे होगे? सेंट्रल वेलोसिटी निकाल रहे होगे कि नहीं निकाल रहे होगे? भाई देखो भाई, ये जो है पाइप के बीचों बीच है, ये पाइप के बीचों बीच लगता है या स्ट्रीम के बीचों बीच लगता है? तो यहाँ पे जो स्ट्रीम घुसी, यहाँ पे जो स्ट्रीम घुसी है, यहाँ पे जो स्ट्रीम घुसी है उस स्ट्रीम की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये जो पाइप के बीच में है ना लगा हुआ, पाइप के बीच में है, तो ये कौन सी स्ट्रीम की वेलोसिटी निकाल रहा होगा? बीच वाले स्ट्रीम की, और बीच वाले की स्ट्रीम की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्या इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब जो तुम पाइटोट ट्यूब से अंडर रूट टू जी एच से निकालते हो, सी वी अंडर रूट टू जी एच से, वो तुम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल रहे होते हो, एवरेज वेलोसिटी नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल रहे होते हो। बात समझ में आई? क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? सभी को ये बात समझ में आई? ठीक है, तो
अब देखिए आपसे डिस्चार्ज पूछ रहा है, और डिस्चार्ज अगर पूछ रहा है तो डिस्चार्ज में क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी आता है। डिस्चार्ज में क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी आता है। ठीक है, तो पाइटॉर्ट ट्यूब से आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लोगे और उसके बाद उसको 0.8 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा कि नहीं बताओ भाई। पाइटॉर्ट ट्यूब से वी मैक्स निकाल लोगे, वी मैक्स बराबर क्या है, सी वी, सी वी तुमको दिया है 0.98 अंडर रूट 2 GH, 2 × G इंटू एच। अब देखो इसमें एच तुमको पहले ही दे रखा है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में देखोगे लिखा है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू ऑरिफिसेस इज, और मतलब दो ऑरिफिसेस का मतलब यही हुआ, ऑरिफिसेस का मतलब होता है छेद, ठीक है, छिद्र जो होता है, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू ऑरिफिसेस का मतलब हुआ ये जो दो तुम्हारे पास छेद है इनके बीच का प्रेशर डिफरेंस उसने दे रखा है 60 mm ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको स्मॉल एच की वैल्यू पहले ही दे रखा है 60 mm ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ पे स्मॉल, अब तुमको दिया है 60 mm, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी मीटर पर सेकंड में। और तुम यहाँ जी भी किस में रखे हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखे हो कि नहीं रखे हो बताओ मुझे। तो यहाँ पर तुमको एच भी मीटर में रखना पड़ेगा, तो 1 mm में 1/1000 m होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.06, ठीक है। यहाँ से वी मैक्स निकाल लेंगे, वी मैक्स कितना आ जाएगा, वी मैक्स सॉल्व करोगे तो 1.063 आएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जब वी मैक्स आ गया तो वी एवरेज तुमको मिल जाएगा, किसी ने कुछ निकाला मैं देख लेता हूँ, अच्छा ठीक है गुड। तो वी एवरेज मिल जाएगा, वी एवरेज सिंपली क्या हो गया 0.8 × 1.063, तो क्या आ जाएगा ये 0.8504 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है, क्लियर है। ये आपके आ गया वी एवरेज, ठीक है। अब जब वी एवरेज आ गया तो डिस्चार्ज नहीं निकाल लोगे, डिस्चार्ज सिंपली क्या हो जाएगा, एरिया इनटू वी एवरेज, हाँ, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, एरिया पाई बाय 4, डी कितना है 300 mm है। अब इसको भी मीटर में चेंज कर दोगे तो 0.3 m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 0.3 का स्क्वायर इंटू 0.8504, तो यहाँ से डिस्चार्ज निकल के आ जाएगा आपका, निकालोगे तो आएगा 0.06 m³ पर सेकेंड, या आप कह सकते हो 60 L/s, ठीक है, कर लीजिएगा यही आएगा, कई लोगों ने कर भी लिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए फिर इससे, अभी टाइम है, अभी है टाइम। ये है आपका क्वेश्चन, कुछ उल्टा हो गया, हाँ ये
क्या आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है सही से? क्वेश्चन नंबर 6.2। ठीक अच्छा मैं सुनिए, अब क्लास एंड करता हूँ, टाइम हो गया, मैं इसको आपको व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। हाँ हाँ बोलो। अरे वे फोटो मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, अब वैसे भी टाइम नहीं है, मैं इसको कल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? तो आप लोग एक बार क्वेश्चन कोशिश करिएगा। वैसे ये जो है क्वेश्चन, ये जितना पढ़ाया है उससे हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है? डिफरेंस यही है इस क्वेश्चन में, मैं बता दे रहा हूँ आपको, एच निकालना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में एच गिवन था, इसमें एच निकालना पड़ेगा बस, बाकी सब सेम है। चलिए ठीक है, एंड करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है?